गाइस, क्या आपकी हड्डियों में से भी कट कट की आवाज आती है? क्या आपसे भी उठा बैठा नहीं जाता, ठीक से सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता? इसके साथ साथ आपके शरीर में भी खून की कमी हो चुकी है? क्या आपके जोड़ों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है? मांसपेशियों में सूजन है? अगर आप ये सारी तकलीफें फेस कर रहे हैं तो आपके शरीर में वात का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपके शरीर में खून की कमी, कैल्शियम की कमी और साथ में वात के प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देगा। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो में कि आपको मैं आज ऐसे इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, जो बहुत सस्ते हैं और काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट विद इन अ वीक आपके सामने होगा। तो प्लीज, आपके घर में भी अगर कोई बड़े बूढ़े हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आजकल ये तकलीफ सिर्फ बूढ़े लोगों को नहीं बल्कि अगर हम 25 साल के हो चुके हैं तो भी हमारे घुटनों में दर्द और हमारे शरीर में वात का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है, वात के बढ़ने से यानी जो हमारे बॉडी में वात का प्रभाव बढ़ जाता है तो उससे ना सिर्फ हमारे हड्डियों में दर्द होता है बल्कि हमारे बाल तक झड़ने लगते हैं। हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल रौनक खो देता है, उस पे बुढ़ापा समय से पहले आने लगता है, बहुत तरह की तकलीफ होती है, इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, हमेशा आपको भारीपन फील होगा, खट्टी टिकारे फील होगी, या तो आपका वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा या फिर बिल्कुल बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को सबसे पहले अटैक करता है, यानी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, तो कोई भी खाई हुई पी चीज आपको लगना बंद हो जाती है। और फ्यूचर में अगर आपके शरीर में वात का प्रभाव बढ़ा रहता है तो आपको पीसीओएस पीसीओडी की समस्या भी होने लगती है। तो आज ये अकेला रेमेडी आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करेगा। तो क्यों ना इन सब चीजों को खत्म करने के लिए घर में बनाई हुई सस्ती और इफेक्टिव रेमेडी का इस्तेमाल किया जाए जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ना तो क्या बुराई है। तो चलिए जानते हैं इसमें हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना है और क्या है उनके फायदे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 4 अखरोट के दाने, आपको लेना है इतना बाउल भर के मखाने, 20-25 ग्राम आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट होगा अलसी। अलसी के हमें लेने हैं यहाँ पर 3 चम्मच, आप इतना बड़ा चम्मच भरकर आप 3 चम्मच लेंगे, आप चम्मच का साइज देख लीजिए। ये तीनों इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज करने वाले हैं, लेकिन ऐसे इसको यूज नहीं करना, अब हम इसको रोस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मखाने का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है। मखाना कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके हड्डियों के लिए बहुत ही बेस्ट फूड माना जाता है, आपके डाइजेशन को सुधारता है, आपके बॉडी में जो वात प्रभाव है उसको खत्म करता है, जिससे कि आपको जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की सूजन, ये सारी तकलीफें खत्म हो जाती है। आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है मखाना, दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग को बहुत तेज करता है। इसके साथ साथ अगर किसी को इंटरनली कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। अगर दिमाग की को कमजोरी है या आपको ठीक से नींद नहीं आती है, हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी, मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने जो इसमें इस्तेमाल करा है वो है अलसी। अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, अगर आपके पूरे शरीर में कहीं भी पेन है, सूजन है, तो उसको ठीक करता है। ऐसा माना गया है कि आयुर्वेद में अलसी कम से कम 125 बीमारियों को दूर कर सकता है। आप लगा लीजिएगा आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है या लीवर पे फैट है, तो ये उन सब चीजों को दूर करता है, आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। और अलसी आपके बालों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए रामबाण नुस्खे की तरह काम करता है। हमने इस्तेमाल करा है अखरोट का। अखरोट में होता है कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो हमारी होती है बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, दिमाग को बहुत ज्यादा तेज करता है। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपके हार्ट हेल्थ को भी सुधारता है, ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके आपके डाइजेशन को सुधारता है। अगर हमारी बोन डेंसिटी अच्छी होती है तो हमारी हड्डियों में से कट कट की आवाज नहीं आती, दर्द नहीं होता, हमें चलने बैठने में, उठने में तकलीफ नहीं होती। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ओवरऑल आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बिना घी के। इनको आपने बहुत धीमी आंच पे हल्का सा बस रोस्ट करना है, ध्यान रखिएगा आपको जलाना नहीं है, बहुत हल्का रोस्ट करना है, क्योंकि जो अलसी होती है उसको अगर ज्यादा देर तक गैस पे रखा जाता है तो उसके फैटी एसिड खत्म हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, आप अलसी का कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया है पहले से। बस आपको इतना ही रोस्ट करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे, हम इसको ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं मिक्सी के जार में इसको डाल लूंगी। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लिया है।
और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी और बिल्कुल इसका पाउडर बना लूंगी। अब आप देख सकते हैं अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसको 1 महीने 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको डालकर रख दीजिए। आप देख सकते हैं कितना महीन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको अब दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। आप अपने घर में जो छोटा बच्चा है, अगर 10 साल का है तो उसको भी आप ये दे सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी ले सकता है, किसी की उम्र नहीं, बच्चे बूढ़े जवान सब इसको लेकर इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हड्डियों की कमजोरी को, मांसपेशियों की सूजन को, कमर दर्द को, शरीर की ऐंठन को, पिंडलियों के दर्द को, जो आपके टखनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, एड़ियों में दर्द होता है, आपसे ज्यादा तक अगर खड़ा नहीं रहा जाता, ज्यादा तक दौड़ा नहीं जाता, तो ये सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आपको 1 ग्लास दूध ले लेना है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप गाय का दूध ले सकते हैं, और अगर आपको वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भैंस का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का दूध जो होता है वो हल्का होता है, और जो ये पाउडर बनाया है ये आपका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि आपके शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स और गंदगी जमा है उसको ये आपके शरीर से बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकालेगा। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है या 60 साल की है या 70 साल की है, तो आपको इसका इतना चम्मच यानी 1 चम्मच भरकर आपको इसका इस दूध में मिक्स कर देना है। और अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो आपको इसकी आधी क्वांटिटी लेनी है, यानी सिर्फ आधा चम्मच देना है उसको। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध आपको बिल्कुल गरम गरम ही पीना है, बिल्कुल जैसे गरम होता है प्रॉपर वैसे ही आपको इसको पीना है। अब जान लेते हैं इसको पीने का सही समय क्या है, आपको किस टाइम पीना है। वैसे तो चाहे आप सुबह भी इसको पी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका पूरा बेनिफिट चाहते हैं कि आपके शरीर को मिले, आपको अच्छी नींद आए, बहुत लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है, उनको अच्छी से नींद नहीं आती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से आपको इसको दूध को जो लेना है वो रात को सोने से पहले लेना है। 1 घंटा पहले आप इस दूध को लें, उसके बाद देखें आपको 10 दिन के अंदर ही अपने शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस दूध में 1 चम्मच हनी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ भी ऐड करके पी सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको आप ऐसे ही पिएं, लेकिन फिर भी अगर आपको फीका लग रहा है तो आप ये दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं, या फिर धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चीनी आपकी बॉडी में वेट बढ़ाती है और बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। और अगर इसके साथ में अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसमें कुछ भी मीठा ऐड ना करें, इसको ऐसे ही इनटेक करें, ये आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगी। तो आप में से किस किस नई रेमेडी ट्राई करा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके प्यारे से कमेंट का वेट करूंगी, और आपके ऊपर इसका क्या रिजल्ट रहा वो भी जरूर शेयर करिएगा। ऐसी कुछ नया और बेहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।